हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज की वीडियो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शायरी के साथ में कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली आईडी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट मल्टीकल्चरल काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज। एशिया का सबसे बड़ा बहु सांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपके मुंबई के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। हु हैज इनोग्रेटेड इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलुरु। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है आपके नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन रिसेंटली फॉर मोर देन 90% पोलिंग इन मेघालय। हाल ही में मेघालय में 90% से अधिक मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो वो है मिशन 300 एंड माय ओपिनियन माय वैलेंटाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन फिजी फ्रॉम 15 to 17 February 15 to 17 February तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो वो है आपके 12वां संस्करण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर व्हाट पर्पस द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो वो है कौन उद्देश्य है उसका, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज बींग ऑर्गेनाइज इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 10 to 14 February 10 to 14 February तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया के विंटर्स गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो वो आपका है 3rd संस्करण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। वेयर इज द समिट इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जी कृष्णा रेड्डी फॉर द 4th एशियान इंडिया यूथ समिट। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा 4th आसियान भारत युवा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है आपके हैदराबाद में। विद वॉम इज दीपा कर्माकर हु रिसेंटली फेल इन द डोप टेस्ट रिलेटेड। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? तो वो है आपकी एक जिमनास्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाउ यू ब्रीथ अवार्डेड विद द गोल्डन बुक अवार्ड 2023। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपकी राखी कपूर। हु विल बी द गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाई यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? तो वो है आपकी विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी। विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट कलर बाई यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में किस राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है आपके हरियाणा को।
वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीन लेड बाई प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसेंटली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो रखी गई है आपके कर्नाटक के टुमाकुरु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन स्टेट इन क्लीन इनिशिएटिव एज पर इफा एंड अंबर्स चेंज ऑफ एनर्जी रिपोर्ट। इफा और अंबर की ऊर्जा रिपोर्ट के परिवर्तन अनुसार स्वच्छ प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है आपका कर्नाटक। With which theme the 5th Jan Oshdhi Day has been celebrated by the Ministry of Health and Family Welfare? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पांचवा जन औषधि दिवस की थीम के साथ मनाया जाएगा। तो उसकी थीम क्या है आपकी? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। तो क्या है आपकी? जन औषधि जो है आपकी सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की रिसेंटली? हाल ही में फिक्की के महासचिव पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपके शैलेश पाठक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। विच सैटेलाइट हैज़ बीन री एंटर्ड ऑन अर्थ बाई इसरो रिसेंटली? हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? तो उसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स 1। रिसेंटली विद विच कंट्री द इंडियन आर्मी हैज ऑर्गेनाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फिनजैक्स 232 फॉर द फर्स्ट टाइम इन तिरुवनंतपुरम? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनजैक्स 232 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है? तो वो किसके साथ किया गया है? फ्रांस के साथ मिलकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। रिसेंटली ऑन द बेसिस ऑफ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर हुज चेयरमैनशिप ए कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिज द कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप? हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? अभय मनोहर सापरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। वेयर इज द अटूकल पोंगल फेस्टिवल डेडिकेटेड एंटायरली टू वीमेन बींग ऑर्गेनाइज? पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अटूकल पोंगल त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपके केरला के अंदर। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।